कि आज चाहे एक बच्चा है, बूढ़ा है या आप कोई जवान है, यानी कि बच्चे से लेके बूढ़े तक सब लोगों के लिए एक यहाँ पर रिकमेंडेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है। अपनी हेल्दी डाइट प्लान को मेंटेन करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि 50% से भी ज्यादा बीमारियां आपके अनहेल्दी फूड खाने से होती है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज प्रेजेंट टाइम में ICMR की स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में ज्यादातर बीमारियां केवल एक अनहेल्दी फूड खाने की वजह से होती है। ये अनहेल्दी फूड अगर हम बात करें तो स्ट्रीट फूड आपका है, या आप लोग प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ये सारा आपका अनहेल्दी फूड की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता। और दूसरा, जो भी इसके अंदर आपका प्रोटीन या न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी होता है, बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से टॉक्सिक होता है। इसमें बहुत सारे टॉक्सिक आपके जो है केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी आपको समझना पड़ेगा कि आज चाहे एक बच्चा है, बूढ़ा है या आप कोई जवान है, यानी कि बच्चे से लेके बूढ़े तक सब लोगों के लिए एक यहां पर रिकमेंडेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है। दोस्तों, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन ICMR की स्टडी को आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि किस प्रकार से एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोग इस एक फूड के जो जंजाल है इसमें फंसे हुए हम लोग, और कहीं ना कहीं हम लोग बहुत सारा पैसा जाया कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं किसके ऊपर, अपनी बीमारियों के ऊपर। और हमारा पैसा जो है वो केवल और केवल, या पैसे केवल पैसा नहीं है, इसके साथ में टाइम भी हमारा बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। और इवन तो हम लोग जो प्रोडक्टिव काम करना चाहते हैं उसमें भी पूरा फोकस नहीं डाल पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आज प्रेजेंट टाइम में हमें समझना पड़ेगा कि ICMR की स्टडी के अकॉर्डिंग, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी और गाइडलाइन के तहत हमें कुछ अपनी हेल्दी डाइट प्लान को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी हम लोग आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं और अपनी बॉडी को रेजिस्टेंट बना सकते हैं, टॉलरेंट बना सकते हैं इन बीमारियों के अगेंस्ट में। तो समझते हैं कि किस प्रकार से। तो यहां पर इस सेशन के अंदर सबसे पहले आपको यही बताया जा रहा है कि आज प्रेजेंट टाइम में जो स्टडी की गई है उसके अकॉर्डिंग देखा गया कि आज हम लोग जो बहुत सारा फूड खाते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा इवन दो प्रोटीन सप्लीमेंट भी हो सकते हैं, जंक फूड भी हो सकता है, प्रोसेस्ड फूड भी हो सकता है, स्ट्रीट फूड भी हो सकता है, जिनमें आपका ऑयल कंटेंट, फैट बहुत ज्यादा होता है, शुगर बहुत ज्यादा होता है, आपका सोल्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, एजिनोमेटो जैसे केमिकल्स आपके प्रोडक्ट होते हैं, इवन तो कुछ प्रोडक्ट में तो टॉक्सिक आपके केमिकल प्रेजेंट होते हैं जैसे कि लेड, आर्सेनिक, जो आपकी डायरेक्टली हार्ट के ऊपर इंपैक्ट करते हैं। तो इनको हमें लेस कंज्यूम करना चाहिए, वरना आपकी हेल्थ के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले यहां पर आपको एक ब्रीफ सेशन इसके अंदर देना चाहूंगा। सबसे पहले आपको यहां पर बताया जा रहा है कि क्या क्या चीजें आपको यहां पर फोकस में करनी चाहिए। बाकी 17 मेजर पॉइंट ICMR ने गाइडलाइन फोकस किए, उनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक ब्रीफ आपको एक देना चाहूंगा सेशन इसके अंदर। सबसे पहले देखो इसमें क्या बोला गया कि आप अगर एक हेल्दी पर्सन को रोज 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, यानी कि 2 लीटर अप्रोक्सीमेटली। अगर हम बात करें तो उसको हाई फैट, शुगर, सॉल्ट, जिन प्रोडक्ट में मैंने अभी बताया कि फैट, शुगर या सोल्ट ज्यादा है, उनको हमें लेस इनटेक करना चाहिए। फैट की बात करें और शुगर की बात करें, जैसे शुगर की बात करें तो 20 से 25 ग्राम ही शुगर आपको एक दिन में इनटेक करना चाहिए। सोल्ट की बात करते हैं तो 5 ग्राम शुगर आपको सोल्ट ही एक दिन के अंदर इनटेक करना चाहिए। और इवन तो जिस फूड में माइक्रोन्यूट्रिएंट आपके डेफिसिट होते हैं, कमी होती है, या आपका फाइबर कम होता है, उन फूड को भी हमें कहीं ना कहीं अगर हम कम खाना चाहिए, क्योंकि जिनके अंदर फाइबर ज्यादा होता है उनको हमें ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, जिनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं उनको हमें ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी की माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट जो होती है उसके बेसिस पर, या फिर अगर हम बात करें तो जो फाइबर आपका है या फिर जो आपके मल्टीविटामिन्स आपके होते हैं वो अगर लेस हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लेथर्जिक होती है, प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाती है। या फिर अगर हम बात करें तो कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आज मैंने कुछ काम भी नहीं किया फिर भी मैं थक गया हूं, क्या कारण है इसका? तो इसका सबसे बड़ा रीजन यहां पर ये आता है कि हम लोग जो एक अनहेल्दी डाइट लेते हैं जिसमें हमारे विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिएंट पूरे नहीं हो पाते हैं, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल थकी हुई नजर आती है। अब अगर हम बात करें तो आपको यहां पर रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि आपको सॉस, चीज, मायोनीज, जैम, फ्रूट पल्स या ब्रेकफास्ट जो सीरियल्स आप लोग कंज्यूम करते हो, इनको भी आपका लेस कंजप्शन करना चाहिए। मतलब कहने का है कि आज प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो जंक फूड के साथ सॉस खाते हैं, मायोनीज खाते हैं या फ्रूट जैम खाते हैं, इनको बिल्कुल कम कर देना चाहिए, क्योंकि उनमें सॉल्ट बहुत ज्यादा है, शुगर बहुत ज्यादा है, आपका अनहेल्दी फैट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बीमार होती जा रही है, आप लोग बीमार होते जा रहे हो, आपका पैसा और टाइम वेस्ट होता जा रहा है, आप जो प्रोडक्टिव काम कर सकते हो वो नहीं कर पा रहे हो। इवन तो हम लोग बच्चों तक को भी, सबसे बड़ी चीज यहां पर देखो, आज इस गाइडलाइन में ज्यादातर फोकस किया गया है बच्चों के ऊपर और एक आपकी प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर, क्योंकि इनिशियल में स्टार्टिंग वहीं से होती है एक बच्चे के लिए, और वो बाद में धीरे धीरे उसकी एक आदत डेवलप होता चला जाती है और बाद में वो सफर करता है बहुत सारी डिजीज और बीमारियों के साथ। अगर हम बात करें तो यहां
यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि एक बच्चे को एटलीस्ट जो है, अब देखो यहां पर आपका पर्ल मिलेट, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट, नट्स, सीड्स, इनको खाने की आपको जो है हिदायत दी गई है। इसके साथ में आपका एक पर्टिकुलर एक बच्चे को 60 मिनट एटलीस्ट फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए अगर मोटापा जैसी प्रॉब्लम से बचना चाहता है, एज वेल एज यहां पर 30 से 60 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ और 15 मिनट हाई इंटेंसिटी के साथ वर्क आपको करना चाहिए या फिर आपको काम करना चाहिए या फिर फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके साथ में अगर हम बात करें तो आयोडाइज सॉल्ट आपका होता है उसको कम करना चाहिए, यानी कि मैंने अभी बताया आपको, और इवन दो आपके जो फूड लेबल्स होते हैं, वैसे तो फूड लेबल्स का कोई महत्व नहीं रह जाता है क्योंकि रिसेंटली FSSAI की गाइडलाइन हो चुकी है कि वो आपका किसी भी प्रोडक्ट का अगर कोई ज्यादा मिलता है कोई प्रोडक्ट तो वो अपनी गाइडलाइन में उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को हाई कर देते हैं। अभी रिसेंटली मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के अंदर बताया भी था कि किस प्रकार से आपके अभी रिसेंटली जो मसाले हैं उनके अंदर आपका जो बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी रिस्ट्रिक्शन जो है बाहर की कंट्रीज में बैन कर दी गई है, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर क्या कर दिया गया है कि ये आपका जो लिमिट है उसी को इंक्रीज कर दिया जा रहा है। इवन दो अब इसकी वजह से आप लोग बीमार नहीं होगे तो क्या होगे, डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है। तो यहां पर थोड़ा सा हमारे इंडिया के अंदर इन चीजों को लेकर, खासकर ह्यूमन की हेल्थ को लेकर, ह्यूमन की एजुकेशन को लेकर बहुत ज्यादा कम हमारा ध्यान दिया जा रहा है, जो कि देखो यार रिक्वायरमेंट है और कम से कम हमें तो जरूर फोकस होना चाहिए क्योंकि हमारे आने वाली जनरेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहां पर फोकस किया गया पहले पॉइंट के ऊपर, वो पहला पॉइंट है कि हर रोज एक पर्सन को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर आपका फ्रूट भी हो, वेजिटेबल भी हो, मिल्क प्रोडक्ट्स भी हो, एज वेल एज उसके अंदर आपका एक वेल क्वालिटेटिव प्रोटीन होना चाहिए, वेल क्वालिटेटिव डाइट होनी चाहिए। तो इस वेल क्वालिटेटिव डाइट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक थाली और पिरामिड के अंदर आपको मेंशन किया गया है कि क्या-क्या आप लोग अपटेक कर सकते हो। तो जैसे यहां पर सीरियल्स और न्यूट्रिशियल्स की बात हो रही है तो 250 ग्राम आपको इंटेक करना चाहिए थाली के अंदर, 400 ग्राम आपको वेजिटेबल इंटेक करनी चाहिए, फ्रूट आपको 100 ग्राम, पल्सेस एग और फ्रेश फ्रूट आपके जो होते हैं वो 85 ग्राम, और इसके साथ में नट और सीड्स 35 ग्राम, फैट और ऑयल आपको 27 ग्राम, और एज वेल एज आपका मिल्क और कर्ड जो है यहां पर आपको 300 ml एटलीस्ट इनटेक करना ही चाहिए जिससे आपकी एक हेल्दी बॉडी मेंटेन रह सके क्योंकि ये हमारी एक बैलेंस डाइट का हिस्सा है। बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर सारे तत्व प्रेजेंट हो जो हमारी बॉडी को चलने के लिए आवश्यकता है, यानी कि सिंपल सी बात आप सोच के देखो कि एक डीजल की गाड़ी है उसको चलने के लिए आपको डीजल ही डालना पड़ेगा, अगर आपने उसमें पेट्रोल डाल दिया या फिर कोई और आपका फ्यूल उसके अंदर डाल दिया तो क्या होगा, धीरे 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 वो आपका या कुछ तो इवन तो पानी वगैरह डाल दोगे तो बिल्कुल बंद ही हो जाएगा ना, या फिर वो क्या करेगा ब्लैक आपका बिल्कुल धुआं छोड़ना स्टार्ट कर देगा, यानी कि गाड़ी आपका जो इंजन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसी प्रकार से आपकी बॉडी के अंदर भी जो ऐसा कोई प्रोडक्ट आप लोग डाल देते हो जो आपके लिए हार्मफुल है और या फिर आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट जो आपको रिक्वायर्ड था और वो आपने नहीं अपने बॉडी के अंदर डाला तो डेफिनेटली आपकी बॉडी बीमार होगी, आपकी बॉडी किसी न किसी प्रकार से पहले साइन आपको देती है कि भाई आपकी बॉडी आलसी हो जाती है, लेथर्जिक हो जाती है, कई बार आपको रनिंग नोज देखने को मिलता है। तो ये सब कहीं ना कहीं हमें सिम्टम देते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो एक अनहेल्दी होती जा रही है, इसमें अंदर किसी न किसी प्रकार के न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, और खासकर ज्यादातर बीमारियां आपकी न्यूट्रिएंट की कमी होने के कारण ही होती हैं और उनके साथ ही अटैच होती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहां पर आपका नेक्स्ट एक पॉइंट जो मेजर यहां पर निकल कर आता है कि फूड ग्रुप्स आपको किन किन फूड ग्रुप्स पे ज्यादातर डिपेंडेंट रहना चाहिए, तो सीरियल्स हैं, पल्सेस है, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां हैं, नट या ऑयल सीड्स आपके हैं, या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, रूट या ट्यूबर्स हैं, इसके साथ में फ्लैश फ्रूट्स हैं या फिर आपका स्पाइसेस या हर्ब्स है। अब इसी के साथ अगर हम बात करें तो आपको यहां पर नेक्स्ट फोकस जो किया गया है वो आपका प्रेग्नेंट जो आपकी लेडीज होती हैं उनके लिए, और दूसरा लैक्टेशन जो टाइम होता है उनका उस टाइम पर, यानी कि एक लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पर उनको एक हेल्दी डाइट तो चाहिए चाहिए, ना कि उनके लिए बल्कि उनके आपके बच्चे के लिए भी यहां पर हेल्दी डाइट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक मदर जब आपकी प्रेग्नेंट होती है तो ना कि केवल वो खुद फूड खा रही होती है बल्कि उनका फूड का कुछ हिस्सा उस बच्चे को भी दिया जा रहा होता है, बच्चे को भी प्रोवाइड हो रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उस हेल्दी डाइट के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट अवेलेबल होने चाहिए ताकि एक बच्चा जब जन्म ले तो उसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार की डेफिशिएंसी हमें ना देखने को मिले, एज वेल एज यहां पर जब बच्चा जन्म लेता है तो उससे लेकर उसको जब तक एडोलेसेंस नहीं हो जाता तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है। तो उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने पूरी गाइडलाइन दी है कि आपको जो है इनिशियल में उसको अप्रोक्सीमेटली 2 साल तक के लिए बच्चे को क्या करना चाहिए, हमें जो है मिल्क यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग आपकी होनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग से ना कि मदर हेल्दी रहती है बल्कि बच्चा भी हेल्दी होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बच्चे की तो हेल्थ बनती बनती है, इसके अलावा मदर भी हेल्दी इसमें रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि अगर ब्रेस्ट फीडिंग अगर मदर करवाती है तो उससे
उसका जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम होता है, इवन दो ओवेरियन कैंसर तक की जो बीमारियां हैं वो वहां पर नहीं हो पाती है, इवन दो इसके साथ में बाकी जो ओबेसिटी जैसी समस्याएं हैं या फिर आपकी मेंटल स्ट्रेस जैसी समस्याएं हैं, माइग्रेन जैसी समस्याएं हैं, वो भी एक लेडी के अंदर नहीं हो पाती अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल तक उस बच्चे को करवाती है। ठीक है, 6 महीने तक तो बच्चे को केवल ब्रेस्ट फीडिंग पर डिपेंड रखना है, उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ उसको बाकी और भी डाइट के ऊपर हम लोग उसको लगा सकते हैं, जूसेस वगैरह के ऊपर या फिर आपका जो स्मूदीज वगैरह नॉर्मली हम लोग बना सकते हैं उनके ऊपर बच्चे को रख सकते हैं, ताकि यहां पर एक बच्चा जो है उसको हेल्दी डाइट भी मिले और वो प्रॉपरली ग्रोथ कर सके। तो मेजरली दूसरा पॉइंट यहां पर फोकस किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर जो सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, नट और ऑयल सीड हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश या फिर डायरी प्रोडक्ट्स, इनके लिए भी आपका प्रॉपर एक कंजप्शन के लिए चार्ट इन्होंने मेंशन कर दिया कि यही है प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी यहां पर कंज्यूम कर सकती है, खा सकती है। इसके अलावा इन्होंने नेक्स्ट आपका ब्रेस्ट फीडिंग और जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो बच्चे के ऊपर ही फोकस रखा है। फोर्थ पॉइंट भी यहां पर बच्चे के ऊपर ही फोकस रखा है कि 6 मंथ की एज तक हमें उसको क्या खिलाना चाहिए। उसके बाद में बात हो रही है कि यहां पर एक बच्चे के लिए प्रॉपर आपको एप्रोप्रिएट डाइट देनी चाहिए, जिसके अंदर बैलेंस डाइट यहां पर बहुत जरूरी होती है, जिसमें आपका हेल्दी न्यूट्रिटिव डाइट प्रॉपरली अवेलेबल होना चाहिए, जो भी हमने मेंशन किया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो रोज की डाइट है, हर एक पर्सन की डाइट है, चाहे वो वर्किंग है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो स्टडी कर रहा है, हर पर्सन की डाइट के अंदर वेजिटेबल और लेग्यूम हमें ऐड करनी चाहिए, जिससे आपको प्रॉपर यहां पर जो आपका न्यूट्रिएंट है वो मिल सके, प्रॉपर प्रोटीन मिल सके, प्रॉपर विटामिन मिल सके, प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल सके, प्रॉपर जो आपकी एक हेल्दी फैट है वो आपको बॉडी को मिल सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर जो मेजर फोकस किया गया है वो आपका है क्वालिटेटिव प्रोटीन के ऊपर। देखो दोस्तों, आज प्रेजेंट टाइम में आप जो प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हो एक मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए, आप लोग जो प्रोटीन सप्लीमेंट आज लोग लेते हो, इन प्रोटीन सप्लीमेंट के अंदर इंडिया में रिसेंटली, अगेन मैं बताता हूं आपको, अभी रिसेंट आपका 11 अप्रैल का ही एक रीसेंट न्यूज है, जिसके अंदर अभी क्या हुआ था कि 70% जो आपके प्रोटीन सप्लीमेंट है इंडिया के अंदर, ज्यादातर प्रोटीन सप्लीमेंट के अंदर या तो क्या प्रेजेंट है आपका किसी प्रकार का मिसलेबल लगाया गया है, यानी कि जितना उन्होंने टारगेट किया था कि प्रोटीन इसके अंदर 50% है, 60% है, 80% है, तो उससे आधा देखने को मिला, यानी कि अगर 80% का उन्होंने क्लेम किया था कि 80% प्रोटीन मिलेगा तो उसमें केवल 40% प्रोटीन देखने को मिला। दूसरा उसके अंदर क्या मिला, इवन दो कई प्रोडक्ट के अंदर तो टॉक्सिन सब्सटेंस प्रेजेंट है। टॉक्सिन सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर लेड, कैडमियम, कॉपर जैसे हार्मफुल जो आपके टॉक्सिक मेटल्स होते हैं ये भी उनके अंदर पाए गए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हार्मफुल डिजीज तक भी हो सकते हैं और इवन दो आपकी डेथ तक हो सकती है अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट अगर लेते हो इंडिया के अंदर। ज्यादातर 70% प्रोटीन सप्लीमेंट के अंदर अनहेल्दी आपका कंटेंट प्रेजेंट है, या तो वो आपका प्रोडक्ट उसके अंदर जो लेबल लगाया गया है उतना प्रोटीन नहीं अवेलेबल है, प्रोटीन है तो बहुत ही चीप क्वालिटी का प्रोटीन है, और अगर वो प्रोटीन भी है तो उसके अंदर टॉक्सिन सब्सटेंस भी प्रेजेंट है। और इवन दो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो आप लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यहां पर देखते हो, ऑर्गेनिक प्रोटीन देखते हो या देसी जो आपकी प्रोटीन सप्लीमेंट देखते हो, उनके अंदर टॉक्सिन सब्सटेंस की अमाउंट सबसे ज्यादा पाई गई। तो यहां पर कहने का मतलब है कि हम किस पर बिलीव करें और कहां पर जाएं इन प्रोडक्ट के लिए, तो बड़ा समस्या हो चुकी है यहां पर। इसको हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग जो है डेली अपने हर रोज अपना जो खुद का घर पर बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, नट्स, इनको रेगुलर आपका एक प्रोटीन डाइट की फॉर्मेट में ले, ताकि आपका प्रोटीन यहां से मैक्सिमम पूरा हो सके। क्योंकि अगर आप लोग बार बार यहां पर कहीं ना कहीं बाहर के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट रहोगे तो आज इंडिया के अंदर ज्यादातर प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम लोग बिलीव नहीं कर सकते कि अच्छे अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी ऐसा सब्सटेंस देखने को मिलता है जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता। पता नहीं यहां पर किन नियमों और किन रूल को ताक पर रखकर यह काम किया जाता है और किसी के संरक्षण में यह काम किया जाता है हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी हमें समझना पड़ेगा हमारी हेल्थ अपने आप में हाथ में है। हम लोग यहां पर ऐसा तो है नहीं कि वो लोग हमारे घर में देकर चले जाएंगे, हम अगर परचेज करने जाएंगे तभी वो हमें दे सकते हैं, तो इससे बेटर है कि हम लोग परचेज करना ही बंद कर दें, हम अपने खुद के प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहें। क्योंकि अगर आप पीनट बटर की बात करते हो या फिर आप किसी भी और प्रोटीन स्मूदीज की बात करते हो तो घर में उनको बना सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन उससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और लॉन्ग टर्म तक आप लोग जो है एक अच्छी हेल्दी लाइफ को जी पाओगे। अगर हम बात करें यहां पर तो प्रेजेंट टाइम में आपके बहुत सारे जैसे प्रोटीन और वे प्रोटीन की बात कर रहा हूं मैं, तो प्रोटीन जो आपका है वो हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमारे खुद के जो हेल्दी घर के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर हमें दाल वगैरह इनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है, जिसके अंदर हमें रिप्लेस करना पड़ेगा सोस, जैम, जेली के, आप लोग घर के अंदर चटनी बना सकते हो, डिप बना सकते हो, है ना, उनको आप लोग यहां पर रिप्लेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हाई फैट और हाई शुगर प्रोडक्ट खाते हो उनकी बजाय आप लोग जो घर में बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं गचक वगैरह घर में बना सकते हो, क्योंकि बाहर से लेंगे तो अगेन वही प्रॉब्लम है, तिल
लड्डू वगैरह जो आपके होते हैं उनको आप लोग घर में बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में आप लोग यहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको रिप्लेस कर सकते हो, जैसे आपके जो पिज्जा बर्गर्स होते हैं उनको हम लोग हेल्दी स्प्राउट्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके यहां पर अगेन कुकिंग और ऑयल फेड्स आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप नट और ऑयल सीड्स के द्वारा यहां पर सीड्स के द्वारा क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। एनर्जी ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है उनको आप लोग जूस या फिर आप कह सकते हो कि जो आपके नारियल पानी वगैरह है उनके साथ रिप्लेस कर सकते हो, नींबू पानी के साथ रिप्लेस कर सकते हो। एज वेल एज जो आपके बाहर मार्केट के अंदर बने हुए जूस मिलते हैं उनको आप लोग घर के जो फ्रूट प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि आपको एक चीज पता होना चाहिए कि आप लोग जब जूस पीते हो और एक फ्रूट को खाते हो दोनों में बड़ा अंतर होता है। फ्रूट अगर आप पूरा चबा के खाते हो तो उसमें फाइबर प्रेजेंट होता है, तो हमें जूस पीने की बजाय ज्यादातर हमें फाइबर के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप फाइबर कंप्लीटली कंज्यूम करते हो तो उसका आपका जो गट होता है वो बिल्कुल क्लीन होता है। क्योंकि इवन दो जो हमने टॉक्सिक सब्सटेंस की भी बात की थी जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स के अंदर थे, उन टॉक्सिक सब्सटेंस से आपकी लीवर आपकी किडनी इनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जिससे आने वाले टाइम में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंज्यूम खराब हो जाता है। और इवन दो जो आपका एब्जॉर्प्शन रेशियो है, जो आपका फूड आप लोग कंज्यूम करते हो उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो अनहेल्दी नजर आती है, उसमें प्रॉपर डाइट और सप्लीमेंट यहां पर नहीं मिल पाता है। अगर हम बात करें तो यहां पर प्रेजेंट टाइम में यह भी मेंशन किया गया है कि आपको फिजिकल एक्टिव रहना है, और इवन दो आपकी गुड हेल्थ के लिए आपको दिन के अंदर 8 घंटे आपको सोना चाहिए, मतलब पूरे एक 24 आवर्स में। इसके अलावा आपको 8 घंटे आप काम कर सकते हो पूरा, और इसी के साथ में आप 3 से 3.5 घंटे अप्रोक्सीमेटली क्या कर सकते हो, अपने घर के काम, जैसे कि लेडीज की बात करें तो क्लीनिंग कुकिंग या फिर आप जो वॉशिंग करते हैं ना, या फिर कोई जरूरी नहीं कि लेडीज ही करें, यहां पर एक इंसान जो आदमी है वो भी कर सकता है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो पर्सनल केयर, यानी कि जैसे आप लोग अपना खाना या फिर अपनी बॉडी के ऊपर नहाना वगैरह, ये जो आप काम है वो अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 3 घंटे में आप लोग निपटा सकते हो। अगर हम बात करें तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटे तक आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज में अंगेज रहना चाहिए, जिसके अंदर आप लोग नॉर्मली जो आपके जो है फॉर एग्जांपल वॉकिंग हो सकता है या फिर आप लोग यहां पर कह सकते हैं योगा वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम हर रोज 20 मिनट एक हैवी एक्सरसाइज या स्विमिंग रनिंग बाइसाइकिलिंग ये जो है एक्टिविटीज करनी चाहिए, ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकें। तो एक पूरे दिन की एक्टिविटीज को यहां पर मेंशन किया गया है कि किस प्रकार से आप अपनी हेल्दी बॉडी को मेंटेन कर सकते हो, जिससे आपको लॉन्ग रन के अंदर किसी प्रकार से भी डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर डॉक्टर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हो गए उससे क्या होगा, आने वाले टाइम में आपको समस्याएं आएंगी, आपका पैसा भी वेस्ट होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और आप जो एक हेल्दी वर्क कर सकते थे उस हेल्दी वर्क को प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। इसके साथ में अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में आपका यहां पर जो है रिस्ट्रिक्शन भी बोला गया है कि इनटेक किन किन प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि बहुत सारे आपके ऐसे प्रोडक्ट जिनके आप लोग डिपेंडेंट रहते हो, सोल्ट वगैरह शुगर वगैरह, तो उससे क्या होता है कि आपकी हेल्थ भी खराब होती है और वहां पर आप लोग जो है लॉन्ग टर्म तक एक हेल्दी फूड नहीं अपटेक कर पाते हो। अब अगर हम बात करें तो यहां पर आपका मतलब हमें क्लीन और सेफ फूड यानी कि अच्छा फूड खाना चाहिए, जिसके ऊपर हमें प्रॉपर टैगलाइंस वगैरह या फिर जो आपकी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग जो आपके प्रोडक्ट्स आपके आते हैं, या फिर मैं तो ये बोलूंगा कि आपके जो फार्म में फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स होते हैं, उनसे डायरेक्टली हमें कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपके हेल्दी होते हैं, और उसके साथ में उनको घर में लाने के बाद भी थोड़ी देर तक भिगोकर रखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या होता है उसमें जो टॉक्सिन केमिकल्स आपके जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका है कि एप्रोप्रिएट यहां पर प्री कुकिंग और कुकिंग मेथड्स को हमें करना चाहिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि यहां पर क्या होगा, आपका प्रॉपर जो वेजिटेबल्स वगैरह हम लोग लेकर आते हैं उनको लेके आने के बाद वॉश करें प्रॉपर, है ना, वाटर में मिक्स करके रखें, ताकि वहां पर आपका टॉक्सिन केमिकल्स उसमें से रिमूव किए जा सके। अब अगर हम बात करें तो आपका एडिक्वेट वाटर हमें हर रोज ड्रिंक करना चाहिए, जैसे आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह यहां पर जो मिक्स फ्रूट जूस वगैरह आते हैं, रियल जूस वगैरह आता है, तो उसको हमें ट्रॉपिकाना वगैरह के नाम से जो आता है वो हमें नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें मैक्सिमम आपका शुगर का पार्ट होता है, वो कभी भी हेल्दी ड्रिंक नहीं होती है। जितने भी आप लोग आज मार्केट के अंदर हेल्दी ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक देखते हो वो आपकी एक्चुअल में हेल्दी और एनर्जी ड्रिंक नहीं है, क्योंकि उसमें जो आपके जो कंपोनेंट है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। एज वेल एज अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में आपको जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है या फिर आपका जो फूड हाई फैट या हाई शुगर या हाई सॉल्ट कंटेंट फूड होता है उसको हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट होता है, आपको यहां पर कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो सकते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, है ना, मोटापा यानी कि ओबेसिटी जैसी समस्या आपको देखने को मिलेगी अगर आप इन प्रोडक्ट को रोज कंज्यूम करते हो। इससे आपका बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, इवन दो मेमोरी तक आपकी जो है धीरे धीरे आपकी लॉस हो सकती है, मेमोरी तक की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है, एनीमिया, इंपेयर कॉग्निशन, है ना,
तो ये डिजीज हैं जो कि आपके मेजर फोकस हो सकते हैं अगर आप एक अनहेल्दी फूड पे डिपेंडेंट रहते हो तो। इसके साथ में यहां पर आपको बताया गया है कि अगर आप लोग रेगुलर एक्टिविटीज को मेंटेन करते हो तो डेफिनेटली आप लोग जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट यहां पर आपको मेंशन किया गया कि प्रेजेंट टाइम में आपका जो फूड प्रोडक्ट्स हम लोग लेते हैं उनके ऊपर इंपॉर्टेंट है कि हम इन लेबल और इन लोगोस को जरूर देखें, जैसे FSSAI का है, ISI का है, भारत सरकार का है, या फिर फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, जैविक भारत या वीगन फूड, है ना। ये सब आपके एक हेल्दी, एक प्रकार से मैं कह सकता हूं, वैसे तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि हेल्दी का, क्योंकि जैसे FSSAI अपनी खुद की गाइडलाइंस में बोलती है कि भाई अगर आपका ये प्रोडक्ट्स वगैरह इनको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं तो वो एक टॉक्सिन केमिकल की अमाउंट अगर इंक्रीज कर दी गई, लेकिन फिर भी कुछ हद तक हम लोग बोल सकते हैं कि आज एटलीस्ट हमें बाहर में बाकी जो नॉन लोगों के साथ प्रोडक्ट खाते हैं एटलीस्ट ये अगर खाएंगे तो कुछ हद तक तो हेल्दी रहेंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज अपने आप को थोड़ा सा बदलो, अपने लाइफस्टाइल को बदलो, आपकी जो हेल्दी लाइफ है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगी। इसी के साथ अगर हम बात करें तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर विदा लेते हैं, आने वाले किसी और अच्छे सेशन और अच्छे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप लोग भी हमारा साथ दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए हेल्दी लाइफ, हैव ए हेल्दी पर्टिकुलर डे, और आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी जाए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।